सैयद कौनैन रहमतुल आलमीन कि अपनी नारीना औलाद फौत हो गई। चार बेटियां थी, बड़ी ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कलसूम, फिर फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। अल्लाह ताला ने दो हीरे दिए, हसन और हुसैन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दो नाम अल्लाह ने छुपा रखे थे मेरे नवासों के लिए, आज से पहले ये किसी के नाम नहीं रखे गए। हुए तीन बेटे थे, एक हसन, एक हुसैन, एक मुहसन। मुहसन बचपन में फौत हो गए थे। फरमाया मैं हारून अलैहि सलाम की औलाद हुई थी, शबीर मुबशर, शबर मुबशर। मैं उनके नामों पर इनके नाम रख रहा हूँ, यानी उसके वजन पर। बेइंतहा अल्लाह ने मोहब्बत दी थी और फरमाया करते थे ये जन्नत के फूल हैं, दोनों मेरे लख्ते जिगर जन्नत के फूल हैं। आय अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत करता है, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। वाहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, आए मेरे अल्लाह जो हसन से हुसैन से मोहब्बत करे, आए मेरे अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरात सहाबाए कराम या अहले बैत, ये दोनों हमारे जिगर हैं। एक जिगर है, एक दिल है, एक दिल है, दूसरा जिगर है। एक एक आंख है, एक दूसरी आंख है। दोनों हमारे ईमान के अजीम हिस्से हैं, इसलिए अल्लाह ताला उन लोगों में न बनाए हमें जिन्होंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की मजम्मतें की, सहाबा की मोहब्बत में अल्लाह मौत दे, और उन नासबियों में से न बनाए कि जिन्होंने हजरत हसन हुसैन या हजरत अली से बुग्ज रखा, जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खलीफा दामाद भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, खलीफा राशिद भी हैं, कायनात के बेहतरीन इंसानों में हैं, उनसे बुग्ज रखना इसको नासबियत कहते हैं। ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, खतरा है इसका कि इससे भी इंसान कहीं दायरा इस्लाम से बाहरी न चला जाए।